नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A32 4G versus Xiaomi 11 Lite Mi 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A32 4G में 6.26 इंच जबकि Mi 5G में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A32 4G में 2.9 इंच जबकि Mi 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A32 4G में 0.33 इंच जबकि Mi 5G में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A32 4G में 184 ग्राम जबकि Mi 5G में 158 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A32 4G में सुपर AMOLED जबकि Mi 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A32 4G में 6.4 इंचेस जबकि Mi 5G में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A32 4G में 84.56% जबकि Mi 5G में 85.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A32 4G में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Mi 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A32 4G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A32 4G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A32 4G में Mali G52 MC2 जबकि Mi 5G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A32 4G में MediaTek Helio G80 और Mi 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी A32 4G में 5000 mAh जबकि Mi 5G में 4250 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A32 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 23,800 रुपीस
8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,399 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें NE5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A32 4G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi 11 Lite NE5G की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A32 4G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में NE5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31 प्राइम है, दूसरा ओप्पो A74 5G है, तीसरा वीवो Y73 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V21e 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।